सभी को नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू महानगर मंत्री हरिओम। पिछले दशकों से देखा गया है क्लस्टर यूनिवर्सिटी हरदम सुर्खियों में रही है और उसका कारण क्या है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी का फेलियर। अब फिफ्थ सेमेस्टर का एक मैथ का पेपर लिया जाता है, कब लिया जाता है, 25 को एक मैथ का पेपर लिया जाता है फिफ्थ सेमेस्टर का, और कल एक रात को नोटिफिकेशन आती है कि उसको रद्द किया जाता है और उसकी जगह एक नया पेपर लिया जाएगा जिसकी डेट इन्होंने निर्धारित की है 11 तारीख। और उसका कारण इन्होंने जो दिया है वो दिया है कि वो पेपर पिछले साल जैसा आया हुआ है, उसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती है, ये बच्चा क्यों सफ़र करे। मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वीसी, डीन और कंट्रोलर सर को एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जब पेपर सेट हुआ था एक महीना लगता है एक पेपर सेट होने में, तब उन्होंने वो पेपर नहीं देखा। अब जब पेपर हो गया अब वो बोल रहे हैं कि इन बच्चों को सफ़र करना पड़े। अगर ऐसे हालात क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बने रहे तो मैं कहना चाहूँगा इसको जल्दी से जल्दी बंद कर देना चाहिए। ये बच्चा सफ़र कर रहा है। थोड़ी देर पहले क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर साहब इन बच्चों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसकी वीडियोस हमारे पास पड़ी हुई है। ये क्या हालात क्लस्टर यूनिवर्सिटी कर रही है। अगर एक बच्चा अपनी मांग रखने के लिए यहाँ पर आता है तो उसके ऊपर तुम गाड़ी चढ़ाओगे, ये कौन सा बिहेव यहाँ चल रहा है। मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, डीन और कंट्रोलर तीनों को ये चुनौती बताना चाहूँगा, अगर इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया जाता तो विद्यार्थी परिषद इससे सख्त से सख्त कार्रवाई करने में उतर सकती है।